छपरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा। आपको बता दें कि पति ने अपनी पत्नी को घसीटा और खंभे से बांध दिया। इसके बाद फिर उसकी पिटाई की। पीड़िता ने एसपी ऑफिस जाकर आत्मदाह करने की बात कही। मुकदमा दर्ज हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। आपको बता दें कि आगरा की रहने वाली कुसुमा देवी की शादी 17 साल पहले अरसेना के गाँव के श्याम बिहारी से हुई थी। कुसुमा ने बताया कि पति को शराब पीने के आदी है, इसी वजह से आए दिन मारपीट करता रहता है। वही पत्नी का कहना है कि वो आए दिन भूखे सो जाती है। बीती 13 जुलाई को पति ने पूरे गांव के सामने उसे बुरी तरीके से पीटा। 14 की सुबह वो अपने बेटे के साथ रुनकता चौकी पहुंची। पुलिस ने 4 घंटे बिठाए रखा। वही पीड़िता घर वापस पहुंची तो सास वर्षा देवी के साथ मिलकर पति ने घर से बाहर खंभे से हाथ बांधकर करीब 1 घंटे तक पीटा। इतना ही नहीं, पीड़िता के परिजनों ने बताया कि 3 माह पहले पति ने बहुत बुरी तरीके से पीटा था। कुसुमा का जबड़ा टूट गया था और 15 दिन अस्पताल में भर्ती भी रही, तब भी मुकदमा दर्ज करवाया था। बाद में गांव वालों के साथ पंचायत में श्याम बिहारी ने भविष्य में मारपीट ना करने का वादा किया और तब कुसुमा को ससुराल भेजा गया था। इतना ही नहीं, पीड़िता कुसुमा का कहना है कि श्याम बिहारी और उसके परिवार की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह उन्होंने सीओ हरि पर्वत सत्यनारायण से मुलाकात की। इतना ही नहीं, अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वह एसएसपी कार्यालय में जाकर आत्मदाह कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।